अवतार रेंज विद iGen 6 टेक्नोलॉजी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में SS बिंधानी में। और आज हम बात करेंगे कि AdBlue का जो सिग्नल अगर ना आए क्लस्टर पे तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेसिकली एक छोटी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इग्निशन ऑन करेंगे, और इग्निशन ऑन करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे क्लस्टर पे व्यूज आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AdBlue का जो सिग्नल है, यानी कि जो AdBlue इंडिकेट करता है कि AdBlue हमारे गाड़ी में कितना परसेंट है, तो वो कुछ नहीं शो नहीं कर रहा है, फिर कुछ अपर नहीं आ रहा है, फिर कुछ नहीं दिखा रहा, तो हम लोग को 0-0 दिखा रहा है। तो अभी हम लोग को ये करना है, हम लोग को फ्यूज़ बॉक्स के पास जाना है और फ्यूज़ को चेक करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे F36 SCR स्विच पॉजिटिव 2 एम्पीयर का फ्यूज़। तो देख सकते हैं ये फ्यूज़ बिल्कुल सही है, तो अब इसको हम लगा देंगे, इस फ्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब दूसरी वाली चेक करेंगे F49 SCR B+ 20 एम्पीयर का फ्यूज़। तो ये भी बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट फ्यूज़ चेक करेंगे F50 SCR AFD रिले B+ 15 एम्पीयर फ्यूज़। तो आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम मिल गया, ये कट गया है। तो अब हम इसको नया लगा देंगे। तो अब हम इसको 20 एम्पीयर का फ्यूज़ लगाएंगे। तो अब हम चलेंगे इग्निशन के पास और वहाँ पे AdBlue चेक करेंगे इंडिकेटर में, क्लस्टर पे AdBlue शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और AdBlue अब शो कर रहा है, और इस व्हीकल में जो अभी AdBlue है वो 58% है। तो अभी हमने सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ठीक हो गया प्रॉब्लम। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि देखिए, ये सारे जो फ्यूज़ के जो डायरेक्शन है, जो लोकेशन है, वो आपको उस डायग्राम में मिल जाएंगे, कवर के डायग्राम में मिल जाएंगे, मैंने पहली वीडियो में कहा था। तो उसे ढूंढने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक MI लाइट और एक NOX लाइट आ चुकी है हमारे क्लस्टर के ऊपर में। तो इसको आपको कनेक्टर टूल्स में डिलीट करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, तभी जाके जाएंगे। और साइड में EDC लाइट भी, तो ये सब कनेक्टर टूल्स से इरेज करने के बाद चले जाएंगे। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।